पटना से बड़ी खबर आ रही है, राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, राजद के कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के सेनापति माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद, जिन्होंने कई जमाने से लालू यादव के झंडे को बुलंद रखा हुआ है, पटना के एम्स में कल उनको भर्ती कराया गया था। उनकी जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जैसे ही उनका स्वाब टेस्ट कराया गया है, रिपोर्ट आ चुकी है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उन्हें। आपको बता दें कि वो राजद में उपाध्यक्ष के तौर पर लगातार मौजूद थे, और कहा जा सकता है लालू यादव की गैरहाजिरी में जगदानंद सिंह के अलावा एक ऐसी बड़ी पिलर के तौर पर उन्होंने काम कर रहे थे, जो कि राजद को काफ़ी मजबूत कर रहा था। बीच में उन्होंने ये बयान भी दिया था कि महागठबंधन को एकजुट होकर चलना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा को हराना है तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी और एकजुटता दिखनी चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है कि कल रात में सीने में जो तकलीफ की वजह से और कहीं ना कहीं खांसी और सर्दी उनको लगातार 2-3 दिनों से था, और जब सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब उन्हें उनके आसपास के लोगों ने भर्ती कराया एम्स में, और आज अभी सैंपल उनका पॉजिटिव पाया गया है। बड़ी खबर है, अब तक जहां बिहार में लगभग 7,000 लोगों को कोरोना हो चुका है, ये स्थापित हो चुका है, उसी बीच कई लोगों के अच्छे होने की भी बार बार खबरें आ रही थी, लेकिन अभी तक ये बिहार में कहा जाता सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल जो कोरोना केस है वो पहला अपने तरह का है। एक नेता जो कि जनप्रतिनिधि हैं और जिस तरह का उनका कार्यशैली रहा है, रघुवंश प्रसाद लोगों से लगातार मिलने के मुखालफत करते रहते हैं, राजद कार्यालय को भी उन्होंने पूर्व में जगदानंद सिंह पर आरोप लगाया था कि अगर इस तरह से लगे कि डीएम के कार्यालय में जा रहे हैं और इस तरह के अनुशासन से लोग हड़कते हैं, कहीं ना कहीं जनता से लगातार मिलने के क्रम में ही उन्हें ये कोरोना हुआ है। लेकिन अभी तक इस बात की स्थापित नहीं किया जा चुका है कि आखिर ये हुआ कैसे है, लगातार सवाल इस पर खड़े किए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रेस करने की भी तैयारी चल रही है, स्वास्थ्य विभाग इसे ट्रेस कर रहा है कि आखिर किस व्यक्ति से उन्हें कोरोना मिला है और कितने लोगों को के साथ वो अब तक संपर्क में रहे। फिलहाल जो बड़ी खबर है ये कि जैसे ही ये खबर आई है एम्स में उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया है, उनकी स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है, और अपडेट्स के लिए लगातार आप भारत लाइव के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी नहीं हम आपको तुरंत बताएंगे।